हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे आप लोग सभी लोग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया है, दोपहर में 1 बज गया है। और मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ आज शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिनों बाद आपको मेरा व्लॉग जो है ना पहले की तरह लगेगा। मीन्स लाइक मैं आपको आज यहाँ बिठा देती हूँ, यहाँ पे बैठकर आपको मैंने बहुत सारे अपने ब्लॉग शूट किए हैं। हाँ, और आप लोग अच्छे से देख पाए। तो आज बहुत दिनों बाद आपको मेरा घर पुराना वाला घर लगेगा, बिकॉज मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। डुगू स्कूल गया है और दिवाकर जी आज बहुत दिनों बाद ऑफिस गए हैं। मीन्स लाइक ऑफिस था, ऑफिस तो उनका रोज ही रहता है वैसे, लेकिन रोज WFH रहता है। आज उनको फिजिकली विजिट करना था ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे उनके लैपटॉप में कुछ कन्फिगर करवाना था, तो इसलिए वो ऑफिस गए हैं। और ऑफिस से उनके साथ एक भैया हैं जो कि काफ़ी पुराने कोलीग हैं उनके, और बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड भी हैं हमारे, मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं वो, तो उनको लेकर आएंगे दिवाकर। तो आज हमारे घर में इवनिंग में गेस्ट भी आने वाले हैं, और घर में चूँकि पहले की तरह कोई भी नहीं है, तो ये व्लॉग भी पहले वाला ही टाइप्स लगने लग जाएगा आपको। ओके, तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर रखी है, अगर आप लोग देखें। मैं एक मिनट लाइट ऑन कर लेती हूँ फिर से। ओके, सो मैंने घर की सारी लाइट्स मैंने ऑन कर दी हैं। ओके, हाँ, तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया है, तवा गरम किया है। और अगर मैं थोड़ा सा पास लेकर आ जाऊँ आपको, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे ज्वार की रोटी बना रही हूँ। इस पे देखिए, ये ज्वार की रोटी है। 2 रोटी का आटा था, 1 रोटी का ये रहा, 1 रोटी बन गई है। तो मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, एंड देन मैं आपके साथ बहुत कुछ आज, तो पहले मैं इसे डाल देती हूँ एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज से मैं कुछ शुरू कर रही हूँ, मतलब कुछ वैसा मत समझिएगा, बताती हूँ अभी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोटी अपनी बना लेते हैं अच्छी सी। ये हमने उठा लिया पेपर अपना, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो रोटी मेरी दूसरे भी बिल के तैयार हो गई है, और यहाँ पे जो मेरी रोटी है उसको मैं नाइफ के हेल्प से थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लूँ। हाँ जी, तो मैं आपसे, इस रोटी को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या बताना चाह रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे ब्लॉग तो प्रॉपर तरीके से गैप हो जाता है, कभी कोई फंक्शन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कहीं मैं बिजी हो जाती हूँ, कहीं मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, या कुछ और हो जाता है मेरी लाइफ में, तो बस ऐसे चलता रहता है, अप्स एंड डाउन है। ओके, सो मैं ये बताने वाली थी कि हाँ, तो मेरा वेट लॉस, जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेरा 90 के जिसके आसपास 89.9 वेट चला गया था, एंड अगेन मैं 82 के अप्रॉक्सीमेटली आ गई हूँ। और ये जो वेट गया है मेरा, वो 2 महीने में गया है, तो इतना वेट मेरा 8 किलो के आसपास का वेट मेरा 2 महीने में गया है। तो क्योंकि मुझे थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं ये आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ और मेरे को रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैंने एक चैलेंज भी ले लिया है, जो कि यूट्यूब पे मैं कुछ एक मोटिवेशनल वीडियोस देख रही थी, तो मुझे एक दो फिटनेस यूट्यूबर जो हैं उनके वीडियोस दिखे, जो कि चैलेंज जिन्होंने ले रखा है, तो मैं भी 1 महीने का चैलेंज, नॉट 75 डेज, बिकॉज कि मुझे पता है बीच में 2 शादियां आ रही हैं, तो मैं वो 75 डेज वाला चैलेंज नहीं कर सकती हूँ, और इसलिए मैं सिर्फ अभी 30 डेज का चैलेंज ले रही हूँ। और 30 डेज में मेरा चैलेंज क्या है कि मुझे 5 kg कम करना है,
82, मैं आपका आज का वेट अभी आपको दिखाऊंगी, 82.6 मेरा वेट आया था आज, 82.65 मतलब 82 किलो 650 ग्राम मेरा आज का वेट था, जो कि कल का वेट मेरा 83 चला गया था, क्योंकि मैंने बीच में मतलब जैसे बताया था प्रणय के बेटे का बर्थडे था और भी एक दो जगह मैं गई थी, तो जिसकी वजह से मेरा 1 किलो फिर से बढ़ गया था, तो वो 83.5 चला गया था, आज 80 मतलब 1 किलो फिर से घट गया है 2 दिन में। ओके, तो मैंने आज से मैंने कल तक मैंने सॉल्ट खाया है, बस आज से मैंने शुगर तो मैंने पहले ही सारा कट ऑफ कर रखा था, सॉल्ट भी मैंने अपनी डाइट से जो है वो कट ऑफ कर दिया है, ना मेरे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में सॉल्ट या शुगर होगा और ना ही मेरे लंच में होगा और ना ही मेरे डिनर में होगा सॉल्ट। तो मैंने सॉल्ट को अपनी डाइट से 1 महीने के लिए बिल्कुल कट कर दिया, 1 महीने के लिए, शुगर तो पहले ही कट ऑफ कर दिया था, और इस बीच में मैं कोई चीट डे भी नहीं रख रही हूँ इस 1 महीने में, 30 डेज के उसमें चैलेंज में, हेल्थ चैलेंज में। तो मैंने क्या क्या खा रही हूँ और कैसे खा रही हूँ अब मैं आपसे मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग में मैं अपना डिनर ही स्किप करूँगी, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो मैंने ट्राई की थी बीच में 2-3 दिन के लिए, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे मुझे, तो मैं एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का वीडियो भी देख रही थी जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, मनोज वाजपेयी, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं शाम को 3 बजे के बाद अपने किचन के दरवाजे अपने लिए बंद कर देता हूँ, और मैं ये आज से नहीं पिछले 15-20 सालों से करता आ रहा हूँ, और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, एंड उसके रिजल्ट्स भी, जो कि हमारे पूर्वज करते थे कि शाम को 6 बजे के बाद वो सोने के लिए चले जाते थे, उनका दिन जल्दी शुरू होता था, वो सब चीज़ें हालांकि मैं कर रही हूँ, बट मेरा अगेन इवनिंग में मैं 6 बजे के बाद, नॉट कि 3 बजे, 6 बजे के बाद और सुबह मॉर्निंग के 9 बजे तक मैं मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग रहेगी, एंड उसके बाद मेरा 9:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, 9 बजे गर्म पानी पीऊँगी एंड 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद से फिर मेरा लंच हो मिड डे मील होगा, लंच होगा एंड इवनिंग स्नैक लूँगी एंड लास्ट मील मेरा जो होगा वो स्किम मिल्क विद टर्मरिक होगा, दूध होगा हल्दी डाल के, और इस डाइट से मैं अपना वेट कम करने वाली हूँ। तो आई होप कि इस बार सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, मेरी रोटी हो गई है मैं से बना के, तो जल जाएगी। ओके, सो और ये देखिए, ये मैंने कल घर का घी बनाया है, घर में 1 किलो घी मेरा एक बार में निकला है पूरे, उसमें 1 किलो घी मैंने आज मतलब कल शाम को एक बार में निकाला है, एक बार के बनाने से, और मैंने अपनी रोटी में जो है वो घी का इतना रुक जाइए, हाँ मैंने अपनी रोटी में घी लगा लिया है और हल्का थोड़ा सा घी लगाया है, और मैं घी लगाऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी कुछ अवॉइड कर रही हूँ, तो मुझे एक ही टाइम खाना है, तो मेरे उसमें थोड़ा सा घी का यूज़ होना चाहिए, और चूँकि होममेड है तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, ज़्यादा अधिक मात्रा में तो कुछ भी यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो यस, रोटी दूसरी भी बन रही है मेरी, और आज लंच में है मिक्स वेज, इसमें मैंने वो नहीं मिलाया है, क्या नहीं मिलाया है, नमक नहीं मिलाया है इसमें, नमक नहीं है और बिना नमक के बनी है, और बहुत ही कम तेल में ये मिक्स वेज बन के तैयार हुई है, तो इस तरह की सब्जी, इसके साथ मिलूंगी दही, स्किम मिल्क जो कर्ड होता है उसकी जो दही होती है, मैं दिखा देती हूँ कौन सा कर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, ये वाला कर्ड यूज़ करती हूँ मैं, नेस्ले का A+ स्लिम दही जो होती है ये यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि ये इतना बड़ा छोटा सा कंटेनर है और ये 85 रुपीज़ का मिलता है, ये आपको ब्लिंकिट पे मिल जाएगा, तो ये दही, और जो मेरा दूध होता है वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा स्लिम मिल्क, ये वाला दूध यूज़ करती हूँ मैं अपने जब
डाइट करती हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, जीरो कैस्ट्रॉल, सिम एंड ट्रीम, स्किम्ड मिल्क एंड ये वाली दही, और बिना नमक की सब्जी और ज्वार की रोटी और घर का घी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है। दूसरी रोटी मेरी थोड़ी सी जल गई है, बट इट्स ओके। अगेन हम लेंगे इसमें से थोड़ा सा घी, इतना इनफ है। तो इतने से ये रोटी पूरी मुलायम हो जाती है और खाने में बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, एंड आई एम वेरी श्योर कि इतना खाना खाने के बाद शायद ही किसी के पेट में थोड़ी सी भूख, जिसकी बहुत अच्छी डाइट होती है ना, क्योंकि ये रोटियां जो होती हैं ना, ज्वार की या बाजरे की, ये मिलेट्स वाली जो रोटियां होती हैं, ये वैसे ही बहुत हैवी होती हैं। तो एंड फुल ऑफ थाली भरी हुई है, तो मैं अपना मील इंजॉय करने जा रही हूँ।